पुष्कर में नवरात्र के दौरान 2100 कन्याओं का पूजन कर उन्हें कराया भोज, साथ ही नन्हे भैरव बच्चों का भी किया पूजन। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत सहित कई गणमान्य अतिथि रहे मौजूद। तीर्थ नगरी पुष्कर के महेश्वरी भवन में आज दुर्वांकुश एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में सर्व सनातन हिंदू समाज की ओर से नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सर्व समाज की देवी स्वरूपा 2100 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। साथ ही नन्हे बालकों को भैरव मानते हुए उनका भी पूजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगर परिषद के सभापति कमल पाठक, अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष राम कुमार भूतला, कार्यालय मंत्री मधुसूदन मालू, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूर्य नारायण पारशर ने अतिथि के रूप में शिरकत की। इससे पूर्व ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच और पंडित सत्यनारायण शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 2100 कन्याओं और भैरवों का पूजन किया गया। इसके बाद माता स्वरूप कन्याओं को भोजन कराकर उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण पर 22 जनवरी को आयोजित श्री राम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पुष्कर उपखंड में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कन्याएं माता रानी का स्वरूप धारण कर कार्यक्रम में पहुंची। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। रावत ने कहा कि कन्या पूजन हमारी संस्कृति का प्रतीक है और इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। फाउंडेशन की निदेशिका निर्मल चौधरी ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर मजबूत बनाना है। फाउंडेशन के अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि सामाजिक समरसता बनाने और हमारे पुराणों में कन्याओं को जो उच्च स्थान दिया गया उसका एहसास कराने के लिए फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। संयोजिका पुष्पा पारसर ने बताया कि सकल हिंदू समाज बंधुओं ने सपत्नीक सामूहिक रूप से कन्याओं का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण यादव, फाउंडेशन के निदेशक निर्मल चौधरी, अध्यक्ष विष्णु शर्मा, जय कुमार रेशु पारसर, रोहन बाकुलिया, कमल पारसर, प्रवीण कुमार वैष्णव, ईश्वर धवल, अमन पाटोदिया, कमल रामावत, कैलाश रैम्बो, टीकम माली, नेहरू पंडित, गोविंद वर्मा, दयात भाजपा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पारसर, संघ के बालकिशन पारसर, नंदलाल पंवार, कैला रैम्बू, जितेंद्र पारसर, हरदर पारसर, प्रवीण वैष्णव, गौरीशंकर पारसर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कौशिक सर ने किया। आज दुर्वांकुश एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में समस्त हिंदू समाज की ओर से 2100 कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश सिंह जी रावत एवं हमारे नगर निगम के मेयर कमल जी पाठक और एवं इस सेवा सदन के जो अध्यक्ष है राम कुमार जी भूतड़ा, इनके सानिध्य में नौ दुर्गाओं के साथ साथ जो मंच पर आसीन नौ दुर्गाएं हैं जो जिन्होंने दुर्गा स्वरूप लिया उनका एवं 2100 अलग अलग शिक्षण पुष्कर के और पुष्कर के आसपास के अलग अलग शिक्षण संस्थाओं ने जो कंट्रीब्यूशन भी दिया और 2100 कन्याओं के साथ साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? समाज में सामाजिक समरसता एवं सौहार्द और समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू जाति एक ही है। हमारा हिंदू धर्म एक ही है, यहाँ ना तो कोई किसी भी जातियों में बटा हुआ नहीं है। आज इस कार्यक्रम के अंदर हर वर्ग के हर वर्ण के बिना किसी भेदभाव के बिना किसी की जाति पूछे हुए पूजन किया गया। ये बहुत ही एक आनंद का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, इसीलिए मैं सर्व हिंदू समाज की एवं दुर्वांकुश फाउंडेशन की ओर से सभी का सर धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। हम अपने नव दुर्गा कन्या पूजन के लिए सर्व समाज सकल हिंदू समाज का सामाजिक समरसता के विषय में हर साल आयोजित करते हैं। तो कन्याओं का पूजन महापूजन विशाल, जहाँ सभी समाज से संपूर्ण हिंदू समाज की बच्चियों का पूजन किया गया, पूजन करके इनको गिफ्ट भी दिए हैं। और अपने इसका करने का उद्देश्य यही है कि समाज में समरसता का भाव रहे और कन्याओं का जो उच्च स्थान दिया अपने वेद शास्त्र पुराणों में उनको बरकरार रखते हुए कन्या को माता के रूप में पूजित करें। नवरात्रा के इस पावन पर्व पर कन्या पूजन का विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ, तीर्थराज पुष्कर से प्रार्थना करता हूँ और परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तीर्थराज पुष्कर के साथ भी हमारे देश और प्रदेश से माता का आशीर्वाद बना रहे। मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होने से हमारा जो सामाजिक सद्भाव है
बढ़ता है। आज सभी लोग एक ही मंच पे बैठ के हम सब लोगों ने सभी कन्याओं का पूजन किया। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।